जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असफन है और आप लोग देख रहे हैं टेस्टी बाइट्स विद असफन। आज हम लोग आए हैं जी डेरी हसनाबाद रावलपिंडी में बाबर समोसा पे। तो इनके समोसे फेमस है ही हैं, लेकिन समोसों के साथ एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये कुछ 6-7 किस्म की ना चटनियाँ देते हैं। तो आज हम ये चेक करने आए हैं कि वो चटनियाँ कैसी हैं, कौन कौन सी हैं और उनके टेस्ट कैसे हैं। तो अभी हमने इनका एक प्लेटर ऑर्डर किया है जिसमें वो सारा कुछ आ जाता है, इनके चिकन समोसे, आलू समोसे, कचौरी और रोल वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो प्लेटर अभी आता है, फिर हम आपको उसका जायका भी बताते हैं, उसकी प्राइस भी बताते हैं और उसका टेस्ट भी बताते हैं कैसा है। तो जी ये हमारे पास इनका प्लेटर आ चुका है। प्लेटर के अंदर ये एक चिकन कचौरी, ये आलू वाला समोसा, ये चिकन वाला समोसा और ये एक चिकन रोल है। कचौरी का साइज़ भी चेक करें, साइज़ ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का साइज़ है। ये हमारे पास आ गया इनका रायता, रायते में हल्की सी इन्होंने चटनी डाली हुई है। ये कैचअप आ गया इनका, ये इनकी आ गई चिली चटनी जिनको ये कहते हैं, चिली सौर भी कह सकते हैं आप। ये इनके पास आ जाती है सब्ज़ मिर्चों वाली चटनी, दही के साथ जो मिक्स हुई होती है, ठीक है। ये खुबानी वाली चटनी है, ये आ गई है जी इनकी स्पाइसी चटनी, और लास्ट पे इनकी आती है ये आलू बुखारे वाली चटनी। तो ये इनके साथ चने आ गए हैं, आप इसके साथ समोसा चाट बना के भी खा सकते हैं। ये पूरा प्लेटर है, इसकी प्राइस है 500 रुपये। 500 रुपये में आपको 7 किस्म की चटनियाँ मिलेंगी और ये चाट का सामान भी मिलेगा, ठीक है। वैसे अगर आपने इनके पास सिंगल समोसा आके खाना है तो वो आपको एक समोसा 50 रुपये का और साथ दो चटनियाँ मिलेंगी, दो से ज़्यादा नहीं मिल सकती। ये प्लेटर का सिर्फ ये सारी चटनियाँ आ रही हैं। तो अभी इसका टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। सबसे पहले एक समोसा लेते हैं जी, समोसे बड़े गरम गरम है। ये आ गया इनका आलू वाला समोसा, क्वांटिटी अच्छी है, मेन चीज़ है कि चटनियाँ चेक की जाए। ये वाली चेक करते हैं, खुबानी वाली, चटनियों का वैसे ही टेस्ट करते हैं। खुबानी वाली चटनी है, अच्छी चटनी है, स्पाइसी चटनी, ये दही वाली आ गई, ये भी अच्छी है, ये चिली सॉस है, ये केचप हो गया, और ये इन्होंने दूसरी चटनी डाल दी मिक्स करके, रायता और वो नॉर्मल दही है, कोई इसमें कुछ नहीं है। ये केचप है इनका, बाजारी केचप जैसे होता है वैसे ही है। ये इनकी आ गई थी आलू बुखारे वाली चटनी, जबरदस्त चटनी है वो। तो मेरे ख्याल से इस समोसे को लगाते हैं जी इस खुबानी वाली के साथ, ये चेक करते हैं। इस चटनी के साथ कोई इतना खास जायका नहीं आया, ये मेरे ख्याल से एक किस्म का इन्होंने बस पैक बनाया हुआ है। ये चटनियाँ 7 किस्म की दे दी, लेकिन खाने वाली इनमें से मेरे ख्याल से एक ये केचप है, एक ये दही वाली है और ये इमली, ये आलू बुखारे वाली चटनी भी मजे की है। ये रोल लेते हैं जी, रोल की क्वांटिटी चेक करते हैं कैसी है। चिकन वगैरह इन्होंने डाला हुआ है, इसको लेते हैं इसके साथ एक बाइट। ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा, नॉर्मल जो चटनी होती है ये वो है। केचप के साथ लेते हैं इसको, दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई इतना मज़े की चीज़ नहीं है। आप आते हैं इनका चिकन वाला समोसा, ये इसकी क्वांटिटी है जी। अब इसका टेस्ट चेक करते हैं,
समोसा भी एवरेज, यानी रमजान में आप जाओ ना, रमजान में जो चिकन समोसे मिलते हैं ना, मेरे ख्याल से वो इससे अच्छे होते हैं, मेरे ख्याल से। ये इनकी आलू बुखारे वाली चटनी है, इसके साथ क्या करते हैं। हाँ हाँ तो जी लास्ट पे आ गई इनकी ये चिकन कचौरी, अब इसको चेक करते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी आ गया। हाँ 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 चेक करें आप, अंदर से थोड़ी बहुत खाली है और चिकन भी कोई इतना खास नहीं डाला हुआ, सब्जियां ही हैं, सब्जी चिकन। इसका पहला बाइट आई थिंक इसके साथ ले लेता हूँ, रायते के साथ। बस जी इसकी हकीकत इतनी है कि टेस्ट में कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, ना आलू वाले समोसे, ना चिकन कचौरी, ना चिकन रोल और ना चिकन समोसा, एवरेज टेस्ट है। बस यहाँ पे जो वैल्यू दी जा रही है वो इस चीज़ को दी जा रही है कि 7 किस्म की चटनी है, और इनका कहना ये है कि फजर के टाइम ये आते हैं और 5 बजे शाम को ये छुट्टी कर जाते हैं दुकान बंद, और एक दिन में ये 5,000 समोसे सेल करते हैं, तो करते होंगे, लेकिन टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, टेस्ट इसका एवरेज है। तो आज का रिव्यू आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।